माथे की चौथी लकीर भी आम तौर पर कम लोगों के माथे में पाई जाती है, लेकिन अगर ये है आपके माथे में तो जीवन में काफी उतार चढ़ाव होता है। आम तौर पर ये लकीर लगभग माथे के बीचों बीच से जरा सा ऊपर होती है। जिनके माथे में ये लकीर है उनकी उम्र के 28 साल से 40 साल तक उतार चढ़ाव और संघर्ष बना रहता है। उसके बाद ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग जिनके माथे में ये चौथी लकीर है, ये उम्र के 40वें साल के बाद बहुत ज्यादा सफलता पाते हैं और एक से ज्यादा संपत्ति बना लेते हैं। जो तीसरी लकीर है आम तौर पर माथे के बीचों बीच में होती है, उसके जस्ट ऊपर ये चौथी लकीर है और ये बता रही है कि आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद से आपकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। चौथी लकीर के ऊपर या सबसे ऊपर की जो लकीर है वो पांचवी लकीर है, फिफ्थ लाइन है। अगर पांचवी लकीर माथे में है तो इसका मतलब आपके माथे में बहुत सारी लकीरें हैं। इस तरह की ढेर सारी लकीरें अगर आपके माथे में बनी हैं तो ये व्यक्ति को चिंतित रखती हैं। कितनी भी सफलता और संपन्नता क्यों ना हो, व्यक्ति किसी न किसी कारण से चिंता करता है। ऐसे लोग कभी कभी सब कुछ त्याग करके वैराग्य की तरफ चले जाते हैं। सन्यासियों के मस्तक में, परिव्राजक लोगों के, साधु लोगों के मस्तक में इस तरह की लकीरें पाना कॉमन बात है। जहां से आपके बाल शुरू हो रहे हैं बस जस्ट उसके नीचे होती है ये। पांचवी लकीर चिंता बढ़ाती है, तनाव बढ़ाती है, और कभी कभी आदमी चिंता और तनाव का समाधान जानने के लिए सन्यासी हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। छठवीं लकीर थोड़ी अलग तरह की होती है। बाकी लकीरें समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं आपके आईब्रोज के, लेकिन ये जो छठवीं लकीर होती है वो बिल्कुल सीधे जाती है, नाक की सीध में बिल्कुल ऊपर की तरफ एकदम सीधा जाती है। ये डिवाइन लकीर है, दैवीय लकीर है। ये लकीर ये बताती है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से बंधा हुआ है और इसके ऊपर दैवीय कृपा है। आम तौर पर ऐसी लकीर वाले लोग अचानक आश्चर्यजनक रूप से उन्नति कर जाते हैं। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम माथे पे तिलक लगाते हैं सीधा, वो उसी लकीर को याद करके लगाते हैं कि उस तरह की लकीर हो जाए या उस तरह तिलक लगाने का इफेक्ट आ जाए। तो अगर ये तिलक सीधा लगाने की परंपरा ही इसीलिए है कि वो सीधी वाली जो लकीर है उसका जो फायदा है, उसके जो डिवाइन गुण हैं, जो जीवन में तरक्की करने की संभावना है, वो संभावना जीवन में पैदा हो सके। अब मान लिया आपके माथे पे चिंता रेखाएं हैं बहुत सारी, आपकी आर्थिक रेखा टूटी हुई है, आप मुश्किल में हैं। माथे की लकीरों के बुरे प्रभाव को कैसे समाप्त करें? सुबह उठकर स्नान करके चंदन की तीन सीधी लकीरें त्रिपुंड अपने माथे पर लगाएं या पूरे मस्तक पर भी चंदन का लेप कर सकते हैं, या रोली या लाल चंदन का एक तिलक लगाएं सीधे ऊपर की तरफ। कभी भी अपने माथे को ढकने वाले बाल मत रखिए जिससे आपका ललाट, आपका माथा ढके। माथे को ढकने का मतलब किस्मत को ढकना होता है। और कृपा करके, आजकल तो टैटू कहीं भी लोग बनवाते हैं, कृपा करके कृपा निधान
अपने माथे पर टैटू या ऊंट पटांग आकृति मत बनवाइए। अब आजकल माथे पर लोग सूर्य और चंद्रमा की बिंदी और तिलक लगाते हैं, वो चलेगा, लेकिन माथे पर आपने सर्प बना लिया, माथे पर आपने शिवलिंग बना लिया, ये उचित नहीं है। सर्प तो बिल्कुल उचित नहीं है, और अगर मस्तक के बीचों बीच आप शिवलिंग का चित्र लगा लेते हैं, क्योंकि उसके स्टिकर्स आते हैं बहुत सारे, तो याद रखिए कि शिवलिंग की पवित्रता मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए महिलाओं को भी सामान्यतः सामान्य बिंदी ही लगानी चाहिए, वही अच्छा है। डिज़ाइनर के चक्कर में या डिज़ाइनर बिंदी या डिज़ाइनर तिलक लगाने से जहां तक संभव हो अपने माथे पर बचना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।